उड़ता हुआ तीर ना, मैं बता रहा हूँ भाई जी, कहीं से भी आ सकता है गांव के अंदर। द बेस्ट टाइम टू विजिट माउंट अबू या उदयपुर बोल लो, उदयपुर से माउंट अबू इज अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर के आसपास, इज बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर। तो बेसिकली ये जो पूरा स्टेट है ना राजस्थान, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक हो गया आपका मेवाड़ और एक हो गया मारवाड़। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ना, मारवाड़ जो बेल्ट है, जहाँ पे जो जयपुर वाला बेल्ट है, वो आपको वहाँ पे ग्रीनरी इतनी मिलती नहीं है, डेजर्टेड प्लेस राजस्थान का इज बेसिकली मारवाड़। और मेवाड़ वाला जो बेल्ट है ना, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, ग्रीनरी इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ ये राजस्थान सीरीज को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ऐसी जो जगह है ना, जो ऐसी ऐसी जगह है जो शायद आप यहाँ पे आ चुके हो, अगर आ चुके हो तो आपको मैं डेजा वू देने वाला हूँ, अगर आप नहीं आए हो तो मैं एक्सप्लोर करके आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इस सीरीज पे बने जरूर रहो, क्योंकि और भी बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, और इसके पहले जो मेजर चंक ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने उनको नहीं देखा देन डू गो एंड चेक इट आउट। तो अभी अपन आए हुए हल्दी घाटी पे, इसके पहले वाला व्लॉग देखना जरूर, जहाँ पे मैं उदयपुर से लेके यहाँ तक आप सबको लेके आया था। अगर आपको यहाँ पे आना, इफ यू वांट टू प्लान योर आइटिनरी और ट्रिप ओवर हियर, माय व्लॉग्स विल डेफिनेटली वांट टू हेल्प यू आउट ऑन दैट। तो अभी हल्दी घाटी से अपन निकलने वाले माउंट अबू। माउंट अबू इज अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और 3-3.5 घंटे के आसपास का ड्राइव होगा। गूगल आंटी ऐसा बता रही है, लेकिन आपको पता है आपका भाई 3-5 कैसे करता है, 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को, लेके चलता हूं मैं यहां से लेके माउंट अबू को, और देखते हैं व्हाट माउंट अबू हैज एन ऑफरिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन टुडेस टाइम। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू आर लाइकिंग माय व्लॉग्स, ऑब्वियसली देन ओनली। लेकिन पसंद आ रहा है तो भूलना मत लाइक बटन हिट करने को, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इफ यू गाइस आर ऑलरेडी सब्सक्राइब डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एंड लेट्स गो। गांव के अंदर हल्दी घाटी, बेसिकली आपने अगर नहीं देखा तो पिछला वाला व्लॉग देखो, वरना वो रिपीटेटिव हो जाएगा कि कैसे आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस एंड व्हाट यू नो इंपॉर्टेंस इट हैज इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो इसके पहले वाला व्लॉग देखना जरूर, आई विल पुट दैट व्लॉग एट द एंड स्क्रीन फॉर योर कन्वीनियंस। लेकिन हाँ, ये गांव के अंदर से आना पड़ता है, और गांव के अंदर जो अभी आपने फुटेज देखा ना, ये बहुत ही कॉमन है, उड़ता हुआ तीर ना, मैं बता रहा हूँ भाई जी, कहीं से भी आ सकता है गांव के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ रेप्टाइल्स, इन द फॉर्म ऑफ कैटल्स, इन द फॉर्म ऑफ डॉग्स, इन द फॉर्म ऑफ गोट, कुछ भी। और उड़ता हुआ तीर से बचने के लिए ना भाई आराम से चलना पड़ता है, लेकिन हाँ बीच बीच में ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो 200 साल के बाद गाय माताएं उनको थोड़ा वो चिल मार रहे थे, वहां पे खड़े होके देख रहे थे कहाँ जाऊं यार, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, नहीं मैं ही खड़ी रहती हूँ। अब क्या ही बोले भाई, गाय माता है, हमें कुछ नहीं आता।
मौसम अभी बहुत ज्यादा मेहरबान होके रखा हुआ है। जब से मैं राजस्थान आया हुआ हूँ, जब से मैं उदयपुर आया हुआ हूँ, तब से यार सूरज देवता इतने ज्यादा मेहरबान हो रखे थे ना। अगर आपने पुराने वाले व्लॉग्स नहीं देखे देन डू गो एंड चेक इट आउट। सुबह सुबह ऐसा फील होता था कि बारिश, पूरे दिन बारिश होगी। सुबह सुबह होती भी थी, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग होता भी था, बट देन उसके बाद पूरे दिन धूप ही धूप, स्कॉर्चिंग सन थ्रू आउट द डे। लेकिन आज थैंकफुली अभी ऑलमोस्ट एक बज चुका है और अभी तक मतलब थैंकफुली बोलो जो भी बोलो, लेकिन हाँ भाई मैं खुश हूँ कि अभी तक ऐसा मौसम बरकरार है। तो ठीक है, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, चलते हैं माउंट अबू तक। माउंट अबू तक भी अगर ऐसा मौसम मिलता, इवन दो देखो माउंट अबू इज द ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, तो अगर ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान में भी थोड़ी सी ठंड ना मिले तो फिर क्या हिल स्टेशन। तो चलते हैं, देखते हैं व्हाट इट हैज इन ऑफरिंग फॉर अस। बाकी ये रोड आप देख ही रहो कितना सीनिक रोड है, इवन दो गांव का रोड है, लेकिन यार आसपास दूर दूर तक आपको बहुत ही कम चीज़ें कंस्ट्रक्शन या फिर वो चीज़ें मिलेगा, रॉ है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं जब 2 साल पहले आया था तब इससे 10 गुना ज़्यादा रॉनेस था यहाँ पे। तो जस्ट इमेजिन विद इन 2 ईयर्स बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है भाई, विच इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग बोथ एट द सेम टाइम। खैर, अपने को इसी रोड पे कंटिन्यू करना है अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स के आसपास, उसके बाद विल टेक अ राइट टर्न टुवर्ड्स द नेशनल हाईवे विच विल हेड टुवर्ड्स माउंट अबू, स्ट्रेट एकदम सीधा। तो चलो, इफ यू आर लाइकिंग द व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। तो यार अपन ने ले लिया है कट टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 27, दिस इज नेशनल हाईवे 27, ये सीधा चला जाएगा माउंट अबू, और माउंट अबू जो है जहाँ पे अपना डेस्टिनेशन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 137 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जिसके लिए गूगल आंटी अपने को बोल के 2.5 घंटे लगेंगे, लग भी सकते हैं भाई, सामने नज़ारे चेंज हो रहे हैं और मुझे पता है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और अमेजिंग नज़ारे मिलने वाले। तो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो NH27 ये सीधा माउंट अबू के बाद घुस जाता है गुजरात, उसके बाद फिर वहां से आप महाराष्ट्र वगैरह भी जा सकते हो। एक ये रोड है, एक उदयपुर से पीछे से रोड कटता है जो सीधा अहमदाबाद साइड पे जाता है। तो बढ़िया चीज है यार, आप एंजॉय करो व्लॉग को, व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना, अब नजारों को एंजॉय करने का टाइम आ गया है, बातें कम नजारे एंजॉयमेंट ज्यादा। यार काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहा था, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर के आसपास, 127 किलोमीटर के आसपास और माउंट अबू रह चुका है। वी हैव टू कंटिन्यू इन दिस हाईवे फॉर लाइक 100 किलोमीटर्स और सो, उसके बाद फिर 20-25 किलोमीटर का एक कट आएगा टुवर्ड्स माउंट अबू। थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करने के लिए रुका हुआ था, लेकिन हाँ अपने रॉक्स में डेफ कम हो गया, बेसिकली डेफ बेसिक जो आपका होता है ना पीछे यूरिया डलता है तो वो बेसिकली कम हो गया है, 2 पॉइंट ही बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर दिख गया तो डेफ डलवा लेता हूँ, तो डेफ डलवाते हैं, रिफिल करवाते हैं, क्योंकि देखो सफ़र लंबा है यार, 2000 किलोमीटर के आसपास और गाड़ी चलनी है अभी, तो इट्स बेटर यू नो टू कीप थिंग्स फुल रादर दैन यू नो रनिंग इन टू प्रॉब्लम। तो इसीलिए डलवाते हैं डेफ, इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है हाईवेज में, जो आपके सर्विस सेंटर्स होते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स का फुटफॉल ज़्यादा होता है तो उनको 70-65-60 लीटर का ना जार चाहिए होता है, बड़े बड़े जार्स। तो जैसे आप सर्विस सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे 5 लीटर 10 लीटर 11-15 लीटर का वो छोटे छोटे जार कैंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यार सफारी में 70 लीटर का डेफ का करूँगा क्या मैं, तो वो
उसके लिए देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे वो टैंक को फुल कर देते हैं प्रॉपर टाटा ऑथेंटिक वाला, और वहाँ से फिर नोजल के थ्रू वो रीफिल करते हैं। बढ़िया चीज़ है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है वंस यू ट्रैवल। तभी मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा था मैं, ये वाला नीचे वाला, ये दो पॉइंट्स रह गए थे, अब ये देख रहा हूँ प्रॉपर फुल हो गया। मेरे हिसाब से 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी एक पॉइंट तो रह ही जाता, जैसे अगर मान लो बेस्ट केस सिनेरियो की बात करूँ तो एक पॉइंट रह जाता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा रिस्क लेके फ़ायदा नहीं यार। वो मतलब वो नहीं होता, अगर आपने वो मूवी देखी थी जिसमें वो लास्ट में वो रेस एंड होते वक्त यूँ रुकते, एकदम यूँ लास्ट में जीतते हुए यूँ रुकी थी वो गाड़ी, आप सही समझ रहे हो, उसी मूवी के बारे में बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता ना मूवी का। खैर चलो कंटिन्यू करते अपने जर्नी को। भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त मौसम हो रहा है, मतलब अमेजिंग फीलिंग आ रही है। जो ड्राइव, जो सूदिंग ड्राइव है ना, अगर आपको ड्राइव पसंद है, अगर आपको ड्राइव करना पसंद है, या फिर अगर आपको ड्राइव करना ना भी पसंद हो, लॉन्ग ड्राइव्स पसंद है, मतलब उस कैटेगरी पे फॉल कर रहे हो ना, तो दिस वेदर, ड्राइविंग इन दिस वेदर एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ द ईयर इज मेंट फॉर यू। द बेस्ट टाइम टू विजिट माउंट अबू या उदयपुर बोल लो, उदयपुर से माउंट अबू इज अप्रॉक्सिमेटली 160 किलोमीटर के आसपास, इज बिटवीन जुलाई टू अक्टूबर। तो खैर अभी जब डेफ डलवा रहा था तो एक चीज़ अभी याद है, मैं उस टाइम पे आपको बोलना भूल गया, भैया मेरे को बोलते कि यार देख कहाँ माउंट अबू जा रहे हैं, मैंने बोला कि हाँ माउंट अबू जा रहा हूँ भाई जी, तो कहते कि अच्छा देखो ये भी अपना माउंट अबू बना हुआ है, अभी बहुत प्यारा बना हुआ है। तो बाकी पूछ रहे थे कहाँ से हो, मैंने बोला भाई जी मैं गुड़गांव से हूँ, तो कहते कि अच्छा शूट करते हो, मैंने बोला कि हाँ शूट करता हूँ मैं, ट्रैवल व्लॉगर हूँ, तो कहता अच्छा बस ट्रैवल व्लॉग करते हो या और भी कुछ करते हो, मैंने बोला नहीं भाई जी काम भी इंपॉर्टेंट है, काम भी करता हूँ, तो कहता कि अच्छा घर से कितने दिन हो गए निकले हुए, मैंने बोला भाई 4 दिन हुए, कहता कब वापस जा रहे हो, मैंने कहा क्या क्यों इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो आप, तो बोलते नहीं यार मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम मेरा भी शूट कर दो ना यार, मेरे को भी कैमरे में डाल दो ना, मैं भी फेमस हो जाऊँ, मेरा सर्विस सेंटर भी फेमस हो जाए। मैंने बोला हाँ जी भाई जी डन है, करेगा आपका भाई करेगा ये चीज़ भी। खैर चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये ड्राइव बहुत ही सूदिंग है, अभी तक के रोड्स आप देख ही रहे हो, और इस बारिश के मौसम में भाई नेक्स्ट लेवल यार, 50 नॉचेस अबव नेक्स्ट लेवल, कतई जहर। होपफुली आपको ये फुटेज पसंद आ रहा होगा, होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। ये जो सीनिक ड्राइव है यार, मैं देखो पर्सनली अगर बताऊँ तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हिटिंग दिस पार्ट ऑफ राजस्थान। उदयपुर तक आया था, हल्दी घाटी तक आया था, लेकिन हल्दी घाटी से बैक हो गया था पिछली बार। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, आई हैव बीन टू मैनी हाईवेज, एक चीज़ें दिक्कत होती हैं, ये होती हैं बस। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है इस हाईवे पे, लेकिन हाँ चलो कोई ना, आराम से गाड़ी चलाओ तो ये भी दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली वो भी चिल मारने के लिए बाहर ही आ गए, बारिश हो रही है हल्का फुल्का, बढ़िया मौसम हो रहा है तो वो भी चिल मार रहा है हाईवे पे। तो खैर जो मैं बोल रहा था, पर्सनली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हिटिंग दिस रोड, मतलब टूवर्ड्स माउंट अबू, और ट्रस्ट मी ऑन दिस आई हैव बीन टू मैनी हाईवेज, मैनी हाईवेज, लेकिन हाँ दिस इज समथिंग विच शुड बी इन योर चेकलिस्ट, बकेट लिस्ट में ये तो होना चाहिए यहाँ पर ड्राइव करने का। और एक केरला, यहाँ पे आपको झलकियाँ दिख जाएंगी, केरला वाली वाइब्स आ जाएंगी, लेकिन सीरियसली यार नेक्स्ट लेवल ऑफ सूदिंग, नेक्स्ट लेवल ऑफ
फीलिंग क्या बोलूं यार, आई एम स्पीचलेस. अमेजिंग रोड यार, एक नंबर रोड विद प्रॉपर फुटेज, विद प्रॉपर व्यू. और उसके अलावा जो पीछे आप दो बिस्लरी के बॉटल्स देख रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि मैं बिस्लरी का ऐड कर रहा हूँ, बिस्लरी को एंडोर्स कर रहा हूँ. वो बेसिकली मैं देखो बाहर तो फेंकता नहीं, कीप इंडिया क्लीन एंड ग्रीन. तो इसीलिए जो भी मतलब पानी वानी के डिब्बे हो गए या फिर जो भी पैकेट वैकेट हो गया गाड़ी के अंदर ही रखता हूँ. तो इसीलिए वो फुट जो हैंड रेस्ट नहीं है, हैंड रेस्ट पे बॉटल्स काफ़ी ज़्यादा थी, तो दो उधर ही डाल दिया मैंने कि ठीक है भाई तू भी आराम से वहाँ पे बैठ के चिल मार और वादियों के मजे ले. तो चलो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. इफ यू आर लाइकिंग दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. व्लॉग के एंड तक बने जरूर रहो क्योंकि अभी 88 किलोमीटर्स के बाद गूगल आंटी, मतलब 88 किलोमीटर तो डेस्टिनेशन है लेकिन हाँ 63 किलोमीटर के बाद नज़ारे और चेंज होने वाले हैं. Trust me on this. तो यार अभी अपन पहुंच चुके पिंडवाड़ा. यहाँ से अपने को 30 किलोमीटर के आसपास और इसी रोड पे कंटिन्यू करने हैं. नज़ारे क्या ही बोलूँ मैं, देखो एक मिनट. ऐसे नज़ारे हो तो भाई बंदा क्या ही बात करे, है ना, बताओ. उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बस वादियों को देखते रहो और एंजॉय करते रहो. खैर पिंडवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं, 30 किलोमीटर्स के बाद अपने को माउंट अबू का कट मिलेगा और ये रोड फिर सीधा सीधा अगर आप पकड़ इफ़ यू स्टे ऑन दिस रोड तो आप फिर गुजरात होते हुए महाराष्ट्र घुस जाओगे, जो कि मैंने पहले बोला था. तो बेसिकली ये जो पूरा स्टेट है ना राजस्थान, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक हो गया आपका मेवाड़ और एक हो गया मारवाड़. मेवाड़ वाला जो बेल्ट है ये महाराणा प्रताप सिंह वाला बेल्ट है, राजा कुंभा वाला बेल्ट है बेसिकली. इसमें जो जगहें आती हैं वो है आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, उसके बाद और इस तरफ शुरू से अगर बात करें तो कोटा, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर, उसके बाद फिर आप आगे जाओगे तो कुंभलगढ़ हो गया, हल्दीघाटी हो गया, माउंट अबू हो गया, ये सारा मेवाड़ वाला बेल्ट है. और मारवाड़ वाला जो बेल्ट है वो आपका जयपुर हो गया, उसके बाद फिर बीकानेर, जोधपुर होते हुए जैसलमेर. तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है ना, मारवाड़ जो बेल्ट है जहाँ पे जो जयपुर वाला बेल्ट है वो आपको वहाँ पे ग्रीनरी इतनी मिलती नहीं है और वाटर की स्कार्सिटी काफ़ी ज़्यादा मारवाड़ वाले बेल्ट पे है. और डेजर्टेड प्लेस राजस्थान का इज़ बेसिकली मारवाड़. और मेवाड़ वाला जो बेल्ट है ना यहाँ पे पानी की कमी नहीं है. आपने अगर इस पूरे सीरीज़ में मेरे को फॉलो किया हर एक ब्लॉग को, इनफैक्ट अभी भी अगर आप देख रहे हो, ग्रीनरी इज़ ऑन अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. सही है ना, डेजर्ट एंड ग्रीनरी बोथ एट द सेम पॉइंट इन टाइम, एंड दैट इज द रीजन वाई वो गाना बनाता पधारो मारो देश. नेक्स्ट लेवल फील है यार. तो यार अपन पहुंच चुके उस पॉइंट पे जहां से अपने को इस रोड को अलविदा बोलना है, सीनिक और इस पिक्चर इस रोड को अलविदा बोलना पड़ेगा. अगर आप इसी रोड पे कंटिन्यू करते रहोगे तो वही अहमदाबाद, उसके बाद फिर महाराष्ट्र. और अपने को अपने मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको. अपने को यहाँ से नीचे जाके राइट है. माउंट अबू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जिसके लिए गूगल आंटी 40 मिनट्स का टाइम बता रही है. पता नहीं रोड कैसा होगा लेकिन हाँ, वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि रोड प्यारे मिलने चाहिए और प्रॉपर बेंड्स मिलने चाहिए. लेट्स सी व्हाट द रोड हैज इन ऑफरिंग फॉर अस. तो चलो बिना देरी किए कंटिन्यू करते जर्नी को. अभी स्ट्रेच कर ली ऑलरेडी. और अगर आपको अभी तक का व्लॉग पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. कोई भी थॉट्स आ रहे हो दिमाग में डोंट फॉरगेट टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स. लेट्स गो.
तो यार अपन चढ़ चुके हैं माउंट अबू वाले रोड पे। यहाँ पे आने के बाद नज़ारे तो चेंज हो ही रहे हैं। छोटा सा हिल स्टेशन है, ठीक ठाक ही है, इसको आप हिमाचल या फिर उत्तराखंड से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है भाई, यहाँ पे जब आप आते हो ना आपको गुजरात की गाड़ियाँ काफ़ी दिखेंगी। गुजरात वैसे बॉर्डर में ही है, पास में ही है, मुश्किल से 80-100 किलोमीटर होगा। तो लोग जब एक्सटेंडेड वीकेंड आता हो या फिर मान लो ऐसी वीकेंड्स आ रहे हो तो वो सोच के आज यहाँ पे आ ही जाते हैं चिल मारने के लिए। वो सोचते कि भाई आज तो भाई तेरा भाई दारू पिएगा, वहाँ तो पीने को मिलता नहीं है, यहाँ तेरा भाई दारू पिएगा। खैर अराउंड 10-11 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रह गया जो अपना होटल है, तो चलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। तो यार फाइनली अपन पहुंच चुके हैं माउंट अबू, जहां पे अपना डेस्टिनेशन था, जो होटल था आपने देखा मगनजी के नाम से ये होटल है। अगर आप यहां पे आ रहे हो तो आप यहां पे एक बार स्टे करके वो एक्सपीरियंस लेना ज़रूर, क्योंकि यहां पे जो भाई जी हैं वो आपको इतने अच्छे तरीके से ग्रीट करेंगे कि आपका पूरा दिन बन जाएगा। मौसम तो आप देख ही रहे हो यार, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मतलब हमारे लिए फॉर टूरिस्ट दिस इज़ द काइंड ऑफ वेदर दैट वी वॉन्ट, क्योंकि देखो बारिश इंपॉर्टेंट है, क्लाउडी वेदर इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान सीरीज़ में आपको पता है, इसके पहले वाले जो व्लॉग्स थे उसमें सूरज देवता इतने मेहरबान थे कि भाई क्या ही बोलूँ, गाड़ी के बाहर निकलता था फिर लगता था कि यार गाड़ी के अंदर ही सही है, बाहर तो क्यों ही निकल रहा हूँ। खैर एंड करते हैं आज के व्लॉग को यहाँ पे। इसका जो अगले वाला व्लॉग होगा उस पर अपन माउंट अबू को प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे एंड अनरैप करके आई विल प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो होपफुली आज का जो ये सीनिक ड्राइव था, ये पिक्चरस ड्राइव था NH27 का, मतलब नेक्स्ट लेवल यार, एक बार यहाँ पे आना तो बनता है। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग पे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब डू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन चीयर्स।